नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड के चुनावी समर में कांग्रेस की कमर टूट गई। एक बार फिर एक तरफा जीत भाजपा के हिस्से में चली गई। 47 सीटों के साथ प्रदेश का सबसे बड़ा मिथक तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में वापसी की है, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से बीजेपी की जीत हुई तो हुई किस आधार पर? सतह पर मजबूत दिखने के बाद भी मजबूर कैसे हो गई कांग्रेस घुटने टेकने के लिए? इन तमाम सवालों के जवाब के साथ देवभूमि इनसाइडर की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और सीधा रुख करते हैं आज के सबसे बड़े सवाल की ओर। भाजपा को गद्दी, कांग्रेस को सर्दी, क्यों? पांच पांच बिंदुओं में आपको दोनों दलों की इस हार जीत का कारण हम समझाएंगे। शुरुआत करेंगे उन पांच कारणों से जिसके चलते प्रदेश में भाजपा को ये बंपर विक्ट्री मिली है। सबसे पहला और बड़ा कारण जाहिर तौर पर है मोदी मैजिक। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मोदी मैजिक एक बार फिर प्रदेशवासियों के सिर चढ़कर बोला है। 2017 में भी मोदी लहर में भाजपा की नैया पार हो गई थी। 2022 में एक बार फिर यही हुआ है। जिन सीटों से खुद भाजपा के प्रत्याशियों को जीतने की उम्मीद नहीं थी, बीजेपी उन पर ही बाजी मार गई है। दरअसल केंद्र के सबसे बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े दौरे वोटिंग से पहले उत्तराखंड में किए थे। मोदी ने अपनी नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा और गढ़वाल की चार वर्चुअल रैलियों और देहरादून और हल्द्वानी की दो फिजिकल रैलियों के जरिए चुनावी फिजा ही बदल दी। इसलिए जीत का सबसे बड़ा फैक्टर ब्रांड मोदी को ही माना जा रहा है। भाजपा की जीत का दूसरा बड़ा कारण है डबल इंजन सरकार। विपक्ष कहता रह गया कि इंजन में जंग लग गया है, लेकिन वही 2022 में भी भाजपा की गाड़ी इसी इंजन ने खींची है। ये डबल इंजन सरकार का नारा 2017 के चुनावों में पीएम मोदी ने उत्तराखंड आकर दिया था, जो 22 में भी इतना कारगर निकला कि भाजपा की झोली में जीत खींच ले गया, वो भी परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद। आपको ये भी बता दें कि डबल इंजन सरकार के इस फॉर्मूले को पूरे चुनाव में हथियार बनाकर बेहतरीन ढंग से भाजपा ने इस्तेमाल भी किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं तीसरे कारण की ओर, जो है युवा नेतृत्व। अच्छा, अगर पूछा जाए कि बीजेपी ने किस आधार पर सबसे ज्यादा वोट मांगे हैं, तो जवाब होगा युवा चेहरा। यही कहा था भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाते समय कि हम युवा चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अब भले ही धामी खुद पराजित हो गए हों, लेकिन युवा नेतृत्व का टोटका भी पार्टी का सफल रहा। भर भर के वोट मिले हैं महिलाओं से भी, युवाओं से भी। चौथे कारण की बात करें तो वो है केंद्रीय योजनाएं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उत्तराखंड की जमीन पर इसी संकल्प को लेते हुए गर्जे थे प्रधानमंत्री मोदी। इसी के साथ उन्होंने हर दफा चारों धामों को जोड़ने वाली योजना चार धाम परियोजना का जिक्र भी अपने हर संबोधन में किया। खुद वोटिंग से पहले वो केदारनाथ गए भी थे। चार धाम राजमार्ग परियोजना पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है, जिससे उत्तराखंड के पर्यटन को पंख लगे। इसलिए न केवल जनता के लिए इसका धार्मिक महत्व था, बल्कि विकास के नजरिए से भी इसे सराहाया गया, और इतना सराहाया गया कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली। इसके अलावा जो आखिरी और बड़ा कारण प्रदेश में भाजपा की जीत के पीछे रहा, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। दरअसल 5 साल के भाजपा के कार्यकाल में कोई ऐसा भ्रष्टाचार का बड़ा मामला देखने को नहीं मिला, जैसे मुद्दे हरीश रावत की सरकार के दौरान देखने को मिले थे। हाँ, खनन के मामले में जरूर धामी सरकार बार बार घिरी, लेकिन घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और स्टिंग ऑपरेशन, ये तमाम टैग फिर भी कांग्रेस के माथे ही लगे रहे, जिसकी वजह से तब पूर्व मुख्यमंत्री को हार का मुंह भी देखना पड़ा था। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ी वजह है भाजपा के सत्ता में लौटने की। हालांकि जीत का सफर सिर्फ अपने बदौलत तय नहीं किया है पार्टी ने, विपक्ष ने भी पूरा साथ दिया है अपने विपक्ष का जीतने में। 5 सबसे बड़े कारण क्या है कांग्रेस की नाकामी के पीछे, जो भाजपा को जीत के और करीब ले गए? अब उस पर एक नजर। कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण है उनके मुख्यमंत्री चेहरे पर पड़ा पर्दा। पूरे चुनाव में पार्टी यही तय नहीं कर पाई कि आखिर सत्ता मिलने पर गद्दी किसको मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कई जगहों पर अपने सीएम बनने की पैरवी करते दिखे। उन्होंने तो घर बैठने तक की बात करती थी, लेकिन तब भी नाम पर सहमति नहीं बनी। उनके ही संगठन के बाकी नेता और खुद हाईकमान भी सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ने का सुर अलापते रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह, हालांकि एक ही पार्टी में बटे दो गुट है और यही अंतर कलह दल की पराजय का दूसरा बड़ा कारण है। उत्तराखंड कांग्रेस में भीतरी मतभेद कुछ ज्यादा ही रहा। दो गुट जो एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए थे। एक पाले में रहे हरीश रावत एंड पार्टी और दूसरी तरफ खड़े थे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और उनका सिर। हालांकि किसी तरह की लड़ाई से दोनों इनकार करते, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि दोनों ही सीएम बनने की रेस में थे। अगर कांग्रेस गद्दी तक पहुंच पाती, जो हो नहीं पाया, यानी जब साथ खड़े होने की जरूरत थी, तब दल के दिग्गज एक दूसरे में उलझे हुए थे। नई वापसियों को लेकर भी दल में खिटपिट थी। इसकी एक झलक हरक सिंह रावत को पार्टी में वापस लेते समय देखने को मिली थी। खैर, तीसरे कारण पर बढ़ते हैं, जो है टिकट बंटवारे में हुई गलतियां।
जानकारों की माने तो एक बहुत बड़ी चूक पार्टी से टिकट बंटवारे में हुई है। उनका मानना तो ये भी है कि टिकट बंटवारे से पहले तक प्रदेश में कांग्रेस की लहर तेज थी, इसी वजह से अपनी दूसरी सूची के नामों में दल ने फेरबदल भी किया था, लेकिन डैमेज कंट्रोल फिर भी करने में नाकामयाब रही। ऊपर से परिवारवाद की छाया भी फैसलों में देखने को मिली। कार्यकर्ता बाहरी लोगों को टिकट देने के खिलाफ थे, बावजूद इसके हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई को लैंसेडॉन से टिकट दिया गया। यही नहीं, हरीश रावत के साथ साथ उनकी बेटी का भी टिकट फाइनल हुआ। इससे हुआ ये कि फूट पड़ी और कांग्रेस में टिकट कटने पर कई दावेदार निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर गए। सच्चाई ये भी है कि टिकट बंटवारे के दौरान प्रीतम सिंह और हरीश रावत फिर आमने सामने आ गए थे। राज्य के करीब एक दर्जन से ज्यादा सीटों पर हरीश रावत गुट और प्रीतम गुट में भीतरी लड़ाई रही। नतीजन आज 18 सीटों पर सिमट गए। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से प्रचार भी बेहद ये गलती हालांकि किसी एक की नहीं है। भाजपा के पास प्रचार के नाम पर सबसे बड़ा हथियार पीएम मोदी है। उनके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी जैसे दिग्गज भी प्रदेश में दहाड़ने आए। 30 स्टार प्रचारक यकीनन स्टार थे राजनीति के। दूसरी ओर कांग्रेस के स्टार प्रचारक गिनती के थे, जिसमें गरजने वालों में बड़ा नाम बस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम। राज्य स्तर पर तो सिर्फ हरीश रावत ही प्रचार करते दिखे, तो सुस्त प्रचार भी हार का कारण माना जा सकता है। इसके अलावा कांग्रेस का घोषणा पत्र भी कमजोर दिखा। कांग्रेस ने इस बार चुनावी घोषणा पत्र चार धाम चार काम के तहत बनाया, जिसमें प्रदेश के 5 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 40,000 रुपए, गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए में स्थिर करने, 4 लाख नए रोजगार सृजित करने और हर गांव हर द्वार तक मेडिकल सुविधा और डॉक्टर उपलब्ध कराए जाने का दावा पार्टी ने किया। पर भाजपा के बड़े बड़े दावों के आगे ये फैसला भी पार्टी का फेल पड़ गया, बल्कि बीजेपी ने कांग्रेस को उल्टा इस पर घेर लिया और ऐसा घेरा कि सत्ता से कोसों दूर विपक्ष को खदेड़ दिया। यानी पूरे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 कारण भाजपा की कामयाबी की कहानी लिख गई। और इसी के साथ भाजपा ने एक बार फिर उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कांग्रेस भी हार कबूल कर चुकी है, क्योंकि शायद जानती है कि अपनी कमियों ने बीजेपी के इस कारनामे को बल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।